हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबको एक फ्लावर वाली तोरण बना के दिखाने वाली हूँ। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक चैन बनाया, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो हमें छः चैन ले के ये जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी में से हमें इस तरीके से बंद कर देना है और धागे को हमें खींच लेना है इस तरीके से। इतना बड़ा एक राउंड ऐसे क्रोशिया में लेना है, फिर इस फंदे के अंदर से यहाँ से धागे को हमें निकालना है। तो देखिए, हमने एक बार निकाला है फंदे के अंदर से, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार। तो हमें इस तरीके से चार राउंड क्रोशिया में ले लेना है। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब आगे हम चैन बनाएंगे। तो हमने एक चैन बनाया, दो, तीन, तीन चैन हम रखेंगे। इसके बाद हम एक राउंड ऐसे क्रोशिया में लेके फिर उसी वाले फंदे में से हमें ऐसे चार राउंड ऐसे हम क्रोशिया में लेंगे। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। फिर आगे हम तीन चैन करेंगे, फिर एक राउंड क्रोशिया में, उसी वाले फंदे में से हमें चार राउंड ऐसे क्रोशिया में लेना है। इसको हम बंद कर देंगे। फिर आगे हम तीन चैन बनाएंगे, फिर इसी फंदे में से हमें चार राउंड निकालना है, ऐसे क्रोशिया में लेना है। इसको हम बंद कर देंगे। तीन चैन आगे, तो इसी तरीके से हम और बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे बना लिया है एक साइड का। तो हमने एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो हमने पांच डिजाइन ऐसे बनाए हैं। अब इसके आगे हम दूसरा धागा लगाएंगे। यहीं से हमें ज्वाइंट करना है धागे को। पहले हम बंद कर लेंगे इसको। अब आगे हम चैन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक, दो, तो हमें दो ही चैन रखना है। एक हमने जो बंद किया वो भी है। एक राउंड से क्रोशिया में, फिर उसी वाले फंदे में से हमें चार राउंड से क्रोशिया में निकालना है। अब इसको हम बंद कर देंगे। जैसे अभी हमने बनाया उसी तरीके से हम इसको भी आगे बना लेंगे। तीन चैन करेंगे हम आगे।
तो यहाँ पे हमने एक साइड का भी बना लिया है। हमने एक दो तीन चार पाँच पांच डिजाइन हमने इसको बनाया है। इसके बाद हम चैन करके तीन और बंद कर देंगे। यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हमें बंद कर देना है। यहाँ से धागे को निकालना है और फिर फंदे में से बंद कर देना है इस तरीके से। अब इसके आगे हम बनाएंगे। तो ये जो हमने चैन बनाया है तीन, इसी के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये दो तीन चार ये पांच, तो एक में हमें पांच सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद हम दूसरे वाले में भी हम पांच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे भी हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बना लिया। अब धागा हम चेंज करेंगे, दूसरा लेंगे। इसको हम जोड़ेंगे पहले इसमें। इसके बाद हम ये जो चैन है इसी के अंदर हम पांच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें भी हमने एक बनाया, दो तीन चार ये पांच। तो हर चैन में पांच पांच हम बनाते हुए आगे जाएंगे। इसके अंदर हम पांच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बना लिया है लास्ट वाले में, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमने बंद कर देना है इस तरीके से। तो हमने इसको बना लिया है, धागे को हम कट कर देंगे। नीचे की साइड जो धागा है सबको हम कट कर देंगे इस तरीके से। ये बन के हमारा तैयार हो गया है डिजाइन। इसी तरीके से हम आगे बनाएंगे। और तो हमने देखिए यहाँ पे बना लिया है। अब इसका हम पट्टी बनाएंगे। पहले तो हमने गोल्डन कलर का मोती लिया है इसमें लगाने के लिए। तो हम पहले पट्टी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम सुई धागे से इसको पहले बंद करेंगे। अब इसमें हम एक मोती डालेंगे। यहाँ पे अब दूसरा हम डिजाइन लेंगे। तो इस तरीके से डिजाइन को लगाना है। अब इसको हम उल्टा साइड करके बंद कर लेंगे। धागे को कट कर देना है इसी तरीके से। इसको बनाते हुए जाना है पट्टी को। एक डिजाइन हमारा नीचे एक ऊपर रहेगा। तो देखिए हमने इसको बना लिया है। पट्टी की लंबाई आप अपने अनुसार रखें जितना आपको लेना हो। अब इसके आगे हम इसके नीचे वाला बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे रख रहे हैं इसको इस तरीके से, जैसे हमने पट्टी में रखा है उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी रखना है सीरियल से।
ये डिजाइन हमारा इधर पड़ेगा, एक इधर और एक इधर। जैसे हमने मोती यहाँ पे लगाया है उसी तरीके से हम यहाँ मोती से इसको बंद कर देंगे। और नीचे की साइड हमें झलरी बनाना है तो अभी हम बना के दिखाएंगे। तो इसी तरीके से हमें 10 राउंड लेना है उंगली में। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको बना लिया है। इसी तरीके से हम एक और बनाएंगे। तो इसको भी हमने बना लिया है, देखिए इस तरीके से इसको बना लेना है। अब इन दोनों को हम साथ में जोड़ेंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर हम एक मोती डालेंगे। अब जो डिजाइन हमने बनाया है उसके अंदर हम इसको बंद कर देंगे यहाँ पर। इसको बंद कर देना है इस तरीके से। तो हमने इसको बना लिया है। तो देखिए हमने इसको बंद कर लिया है। अब एक सीरियल से इसको हम रखते हुए जाएंगे। पहले हम बड़ी साइज रखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर हम सबसे छोटी रखेंगे। हमने इसी तरीके से हमें एक सीरियल से रखते हुए जाना है। आगे हम इसी तरीके से रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम मोती लगा के इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। मोती ऊपर की साइड रहना चाहिए, यहाँ बीच में हम इसको बंद करेंगे। यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे, गांठ मार देंगे। अब इसको हम कट कर देंगे। तो इसी तरीके से इसको बना लेना है जैसे हमने यहाँ पे मोती लगा के बंद कर देना है। तो हमने इसको बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत तोरण बनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।